नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह राजावत है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महेंद्र सिंह राजावत चैनल पर। मैं खड़ा हुआ हूं यहां पे जयपुर के उत्तर में स्थित किशनबाग के लोकेशन पर, और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हो ये ठाकुर जी का मंदिर है। मेरा पूरा गांव क्या है खाली हो गया, और ये 81 की बाढ़ में आया था। 81 की बाढ़ में सभी लोग यहाँ से चले गए थे। 81 की बाढ़ में यहाँ जो आप देख रहे हो ये गहरी गहरी खाइयाँ पड़ चुकी थी, और इसका इतिहास बहुत ही रोचक है। यहाँ बड़ा संघर्ष भरा जीवन बिताया था यहाँ के लोगों ने, और मैं मेरी गायों को लेकर यहाँ घुमाने के लिए लेकर आया हुआ हूँ, क्योंकि अभी वर्षा ऋतु का दिन है और आज और 4-5 दिन से हमारे यहाँ पे मौसम बिल्कुल ही नहीं खुल रहा है। चारों तरफ आप देखोगे तो ये वर्षा ऋतु का ऐसा माहौल बन रखा कि सूर्य भगवान के दर्शन किए हुए भी हमारे को 5-7 दिन हो गए। मैं आज आपको एक ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूँ कि जिससे हमारे जो आयुर्वेद जो पौधे होते हैं उनकी जानकारी देता हूँ। काटा जिसे बोलते हैं मैं यहाँ मारवाड़ी भाषा में, जिसे सतावरी बोला जाता है, जो ऐसे ही पहाड़ी एरियों में और जंगल में टीलों में नज़र आता है वो पेड़, उसकी जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ कि सतावरी एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ को यानी कि कंद बोलते हैं, उस कंद का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगा। गुजर गए एक तो वो दवा के बारे में बता रहे हैं जिससे, और दूसरी डॉक्टर्स हैं उन वो भी इस सतावरी के बारे में बता रहे हैं, तो उनका वीडियो दिखाता हूँ साथ में वीडियो। और जानकारी ये देना चाहता हूँ कि हमारे जो आयुर्वेदिक पौधे हैं तो इसकी जानकारी सभी लोगों को तक होना चाहिए। तो सतावरी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है, इसे हमें साल भर में यानी कि 8-10 तोला तो खानी चाहिए। इसमें कोई लाग नहीं होती, जैसे सूंठ और अजवाइन इनकी अजवाइन वगैरह की लाग होती है, इसमें कोई लाग नहीं होती है। लेकिन सभी व्यक्ति को ताज़ा नहीं मिले, जो ताज़ा ऐसे ही जंगलों में घूमोगे तो मिलेगी, उसका पूरा जानकारी आपको आगे वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि सतावरी का पौधा आपको यहाँ नहीं मिले तो पंसारी की दुकान से आप जाओ, वहाँ से 8-10 तोला सतावरी ले आओ तो वो आपको सूखी मिलेगी। पंसारी के वहाँ पे कुटी पीसी भी मिल जाती है और साबुत भी मिलती है। हमारे जयपुर में कुटी पीसी भी रखते हैं थोड़ी चौपड़ पर, और साबुत भी रखते हैं। तो सतावरी ला के आपको उसको दूध के साथ सेवन करना चाहिए, लगभग 8-10 दिन यानी कि 1-1 तोला के हिसाब से उसको इस्तेमाल करो, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनी रहती है। कैंसर जैसे रोगों से ग्रसित लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और दूसरी चीज़ यानी कि कई कामों में आती है, पेट के लिए भी बहुत यानी फायदेमंद है। हमारा पेट स्वस्थ है तो हम कम्प्लीट स्वस्थ हैं। और मैं ऐसे ही पौधों और आयुर्वेद का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ, एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ। मैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए आज 54-55 साल की उम्र में भी मैं एकदम स्वस्थ हूँ, और मुझे कोई भी टेंशन नहीं रहती है शरीर से। मैं किसी तरह प्रकार से अंदर से या बाहर से किसी तरह से डैमेज हूँ, इसलिए मैं सभी को कहता हूँ कि आयुर्वेद का इस्तेमाल अच्छे से अच्छा करें। तो अभी हम जाकर देते हैं, वहाँ से मेरे को घर पर आए हुए 10 मिनट हुए हैं, और ये बारिश पीछे क्या ज़्यादा तेज़ होगी, तो ये पानी आ रहा है किशनबाग से और ये इधर से बह के निकल रहा है, और मेरी गायें भी क्या साथ के साथ ही वापस आ गई। दिखाता हूँ अंदर, वो खड़ी अंदर सारी दोनों। यह है वो सतावरी जिसे किसी ने फेंक दिया था, और ये मैं उठा के ले आया। तो ये इस तरीके से इसको छील के और काम कैसे बनाएंगे इसको, यानी कि अच्छी खासी दवा मिल गई मेरे को बिना ढूंढे ढूंढाए, और सारी जानकारी आपको ये वीडियो में बुजुर्ग जो हैं वो बताएंगे और डॉक्टर्स के थ्रू जानकारी लो ने, इसलिए ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। आज हम सतावर के पौधे की खोज में जा रहे हैं। हमने बहुत कुछ सुना है इसके बारे में कि ये पौधा ऐसा होता है ऐसा होता है, इसके ये गुण है ये दोष है, इस काम आता है। तो हमने सोचा कि चलो आज हम इसके बारे में पूरी खोज करके ही आते हैं। ये माइंस का गड्ढा है, इसमें से लाइम स्टोन निकाला जाता है। अभी ये खान निकल नहीं रही है, बंद पड़ी है, इसमें से शायद हो सकता है जो पत्थर था वो निकाल लिया गया। देखिए चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, पत्थर पड़े हैं, गड्ढे हैं, बड़े विकट रास्ता है। इस रास्ते को पार करते हुए हम बद्री राम जी को हमने साथ में लिया, क्योंकि हम तो उस पौधे के बारे में जानते ही नहीं, इनको ये पौधा मिल गया है। ये इस पौधे को बताते हुए देखो कैसा होता है पौधा, ये उल्टे कांटे होते हैं, इसको नार कांटा भी कहते हैं। तो ये जो पौधा है ऐसे बीड़ों में होता है, जंगलों में, जंगल से पानी पीता रहता है और दूसरे पौधों की सहायता से उगता है।
तो हम अब इसकी खुदाई करेंगे। पर हमें क्या है कि इसके पास में ये खोदा हुआ पौधा मिल गया, तो हमने इस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाया है। और इतना भी आसान नहीं है, हर कोई खोद भी नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर से अलग रेत हटा हुआ, फिर देखो नीचे कैसे जड़ें मिलती है इसकी। अगर सावधानी से नहीं खोदें तो पूरा ये जड़ है तो वो गुद्देदार होती है, पूरी छिल जाती है, तो फिर वो रेत में क्या होती है, भीग जाती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, फिर साफ़ सफाई भी नहीं होती उसकी। तवर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, पर बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि दरअसल ये सतौर होती क्या है। पसारी की दुकान पे ले आते हैं या कहाँ ढूंढते हैं, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाए तो अच्छा रहेगा। इससे क्या क्या लाभ हैं वो भी आप अपने जीवन में प्राप्त करें। ये हमारे रत्नाराम जी, ये खेमा राम जी बैग्स में भरकर लेकर आ गए हैं सतौर, और आपको बताएंगे बद्री राम जी सुतार। अच्छा पानी में धोली भी धोया रे, बाद में इन छिपतो उतारनो ऊपर लो, ओ ऊपर लो छिपतो उतारिया रे, बाद में इनमें लकड़ी री आज और लकड़ी री आंत आया करे इनमें, आ निकालने जरूरी है, और बाद में छाया में हुकोई देनी। इन सतौर रा गुण गोडा बादी और पेट से आप खून से आप आ जड़ी बूटी गुणकारी है, सतौर लेनी 12 महीना में जरूरी है, तो इन्हें हूंटरी लाग लागे जिम लाग नहीं लागे, लेवा तो भी ठीक नहीं लेवा तो चाले, आ लेवनी विधि अपा गाय रा दूध में लेवा तो भी ठीक है, और गाय रो दूध नहीं भी मिले तो पतली रवि बनाई गुड़ली हीरा रे साथ अपन ले सका, और लिया रे बाद में 8 दिन रखा राखना जरूरी है, और 8 तोला तो जरूरी लेनी जरूरी है, 8 तोला बिना कोई ठार नहीं पड़े। आयुर्वेदिक री दवाई 20 दिन रे बाद में असर करे, 8 दिन लेवा 8 ही रखा राखा, उन बाद रे महीने अपने शरीर महीने उनो गुण बाद में ठा पड़े। रखा राखने तेल गुड़ खटाई नहीं खावे, और दाल में रुचि अनुसार घी लेला तो भी चाले। हमारे आसपास कई दिव्य औषधीय पौधे पाए जाते हैं, लेकिन शायद पहचान और सही जानकारी न होने के कारण हम उनके गुणों से अनजान होते हैं और उनके लाभकारी फायदों से वंचित रह जाते हैं। ऐसी ही एक दिव्य औषध है शतावरी। आयुर्वेद में शतावरी को औषधियों की रानी माना जाता है एवं इसे 100 रोगों में प्रभावकारी बताया गया है। शतावरी को स्त्रियों के लिए शक्तिवर्धक टॉनिक माना जाता है, जिसका उपयोग बांझपन को दूर करने और रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज के लक्षणों के इलाज में भी होता है। शतावरी महिलाओं की डिलीवरी के बाद दूध की मात्रा या लैक्टेशन बढ़ाने के लिए रामबाण औषध की तरह काम करती है। इसका उपयोग प्रतिरोधात्मक शक्ति या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। कम वजन वाले कुपोषित बच्चों में, नींद न आने की समस्या में, जोड़ों के रोगों में शतावरी बहुत फायदा करती है। यह नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है और कैंसर के ट्यूमर सेल्स को खत्म करती है। आज मैं आपको इस दिव्य औषध शतावरी की पहचान, उसकी प्रजातियां बताऊंगी एवं इसे कैसे लगाया जाता है इसकी भी जानकारी दूंगी। शतावरी का लैटिन नेम एस्पेरिगस रेसिमोसस है। इसे लिलियेसी फैमिली में रखा गया है। इसमें आने वाले पौधे कंद स्वरूप के होते हैं, जैसे लहसुन प्याज इत्यादि। इसे शतमूली भी कहते हैं। शतमूली दो शब्दों से मिलकर बना है, शत और मूली, अर्थात जिसके 100 मूल होते हैं। इसकी जड़ें गुच्छों में होती हैं। इसके पर्याय हैं शतवीर्या, बहुसुता, अतिरसा, नारायणी और सूक्ष्म पत्रिका। इसके पत्ते बहुत सूक्ष्म के कारण इसे सूक्ष्म पत्रिका कहा गया है। हिंदी सतावर कहते हैं, अंग्रेजी में इंडियन एस्पेरिगस, उर्दू में सतावर कहते हैं, उड़िया में चोतारू या मोहनोले, बंगाली में शतमूली या सतामूली, पंजाब में
या बीजीदान मराठी में अश्वेत कहते हैं। शतावरी की कांटों से युक्त झाड़ीदार 1 से 2 मीटर लंबी फैलने वाली लता, प्रायः मूल से इसकी कई शाखाएं एक साथ निकलती हैं, जो कि थोड़ी कठोर लकड़ी के जैसी होती हैं। इसकी शाखाएं त्रिकोण युक्त स्नेक और रेखान्वित होती हैं। इसकी शाखाओं आभास कांड निकलते हैं, कांड से होते हैं, लेकिन वे बाद में पत्तियों का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हें क्लैडोर्स कहती है। आधे से 1 इंच लंबे होते हैं। यह एक साथ गुच्छों में होते हैं। यह हंसिया के और नीचे की ओर नलिका या पाइप जैसे होते हैं। इसके पत्ते काफ़ी पतले और सुइयों जैसे नुकीले होते हैं। इनके साथ साथ इनमें छोटे छोटे कांटे भी लगते हैं। कांटे 1/4 इंच लंबे सीधे होते हैं। कांटे होने के कारण शतावरी को कंटक पंचमूल में रखा गया है। कंटक पंचमूल में आगोचुर, हिंसरा, शतावरी, सैरेयक और करमर्द। शतावरी के फूल मंजरी के रूप में आते हैं। यह मंजरी 2 इंच लंबी होती है। इस मंजरी में सुगंधित छोटे छोटे फूल लगते हैं। यह फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। इन फूलों के छोटे छोटे व्रंत होते हैं या डंठल होते हैं, जिसमें बैंगनी रंग के परागाशय होते हैं। इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं, जो कि सितंबर में आते हैं। इसके फल मटर के आकार के होते हैं, जो शुरू में हरे रंग के होते हैं। धीरे धीरे यह फल पकने लगते हैं और पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं, जिसमें 1 या 2 बीज आते हैं। इन्हीं बीजों का यूज बिजाई के लिए होता है। शतावरी की मूल का औषधि प्रयोग होता है, कहा जाता है। हर बेल या लता के नीचे कम से कम 100 से अधिक जड़ें होती हैं। यह जड़ें लगभग 30 से 100 सेंटीमीटर लंबी, 1 या 2 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। जड़ों की खासियत यह होती है कि इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इन जड़ों के ऊपर भूरे रंग का पतला छिलका होता है। इस छिलके को निकाल देने से अंदर दूध के समान सफ़ेद जड़ें निकलती हैं। इन जड़ों के बीच में कड़ा रेशा होता है, जो कि गीली या सूखी अवस्था में ही निकाला जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रायः इसका ऊपरी भाग नष्ट हो जाता है। वर्षा के प्रारंभ में इसके मूल से नवीन शाखाएं निकलने लगती हैं। शतावर की 2 मुख्य होती हैं। पहली है एस्पेरेगस सार्मेंटोसा और दूसरी है एस्पेरेगस फिलिसिनस। एस्पेरेगस सार्मेंटोसा की लता बहुत बड़ी होती है और संख्या में अधिक होते हैं। इस कारण इसे महाशतावरी, सहस्रमूली या सहस्रवीर्या कहते हैं। दूसरी प्रजाति है एस्पेरेगस फिलिसिनस। इस प्रजाति में लता में कांटे नहीं होते हैं। यह हिमालय में 4 से 6 हज़ार फीट की ऊंचाई तक मिलती है और इसकी मूल छोटी होती है। शतावरी को लगाने के लिए बीज को पानी या गोमूत्र में पहले भिगोने की आवश्यकता होती है। इससे शीघ्र और अधिक अंकुरण प्रतिशत प्राप्त होता है और बीज आवरण मुलायम हो जाता है। बीज को जून में बोया जाता है। इसके लिए मुलायम और दोमट से चिकनी मिट्टी चाहिए होती है। वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को आगे आने वाले से वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और आल बेल पे क्लिक मार दें और ये जानकारी सभी जागरूक बीमार परेशान लोगों तक पहुँचे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी वीडियो जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।